शहडोल पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा खेलने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा खिलाने वाले 13 सटोरियों को पकड़ा है, जिसमें एक युवती भी शामिल है। आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए नकद जब्त किए गए। आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से सट्टे का कारोबार संचालित कर रहे थे। इनके पास से 20 लाख रुपए से ज्यादा के ऐसे उपकरण भी बरामद हुए हैं जो सट्टा खिलाने में उपयोग किए जाते थे। दुबई में चल रहे आईपीएल में चौके छक्के लग रहे थे तो शहडोल जिले के बुड़ाल, अमलाई, सोहागपुर व शहर के कोतवाली क्षेत्र में दाव पर दाव लगाए जा रहे थे। हर चौके छक्के और विकेट गिरने के साथ बोली में उछाल आ जाता। आलम यहां कि 3 करोड़ रुपए तक का दाव लग गया। हाईटेक तरीके से जिले में चल रहे इस आईपीएल सट्टे का शुक्रवार शनिवार के दरमियान रात उस समय भांडाफोड़ हुआ जब पुलिस ने इन चारों स्थान पर एक साथ छापा मारा। जिस समय छापा मारा सटोरियों द्वारा 2,88,60,000 रुपए की बुकिंग की जा चुकी थी। छापे के दौरान पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से 25,01,055 रुपए नकद, 5 टीवी, 2 लैपटॉप, 56 मोबाइल सहित कट्टा कारतूस जब्त किए। दबिश में एक महिला सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें कटनी तथा उमरिया के लोग भी शामिल है जो शहडोल में ठिकाना बनाकर सट्टा का हाईटेक कारोबार संचालित कर रहे थे। क्रिकेट मैचों पर सट्टे के विरुद्ध पुलिस द्वारा यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आज एक बड़ी कार्रवाई शहडोल जिले में, पूरे शहडोल जिले के कई सारे थाना क्षेत्रों में एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत तैयारी करके की गई है। इसमें हमने कुल 13 आरोपियों को पकड़ा है जो क्रिकेट में आईपीएल का सट्टा चला रहे थे और उसमें कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। 13 आरोपियों से हमने विभिन्न इनके उपकरण जो मोबाइल से, लैपटॉप, टीवी और एक ऐसी डिवाइस जिसमें रिकॉर्डिंग डिवाइस और कई सारे मोबाइल्स का सेटअप है, इस तरह के लगभग 20 लाख के आसपास के इक्विपमेंट और इन सब आरोपियों से 25 लाख के आसपास का 25,01,055 रुपये मांगे हैं और अभी तक की विवेचना में लगभग 2,88,00,000 के आसपास के हिसाब का ब्यौरा मिला है। इनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। इसमें और क्या इनके जुड़े हैं, इनके ट्रांजेक्शन किस तरीके से होता था, इन सबके संदर्भ में विवेचना की जा रही है। सर, इसमें जो खेल रहे थे जो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, निश्चित तौर पर अभी ये लोग तो कर रहे हैं, लेकिन खेलने वालों के संदर्भ में क्या उसमें की जा सकती है कार्रवाई, वो हम अभी देखेंगे क्योंकि अभी हमारे पास उसका जो पेंट्रियल बेस है उस पर हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां सीजन इस साल यूएई में खेला जा रहा है। यह दुनिया के सबसे पॉपुलर T20 लीग में से एक है और दुनिया भर में इसके चाहने वाले हैं। टूर्नामेंट के पॉपुलर होने की वजह से इस पर हर साल सट्टेबाजों की नज़र बनी रहती है। सट्टेबाजी को रोकने के लिए पुलिस भी टूर्नामेंट के दौरान बेहद चौकन्नी रहती है। IPL 2020 के दौरान पुलिस को सट्टेबाजी के मामले बड़ी कामयाबी मिली है। शहडोल से निर्मल जायसवाल की रिपोर्ट।